करते हैं दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा महानगर जहां से इस वक्त की बड़ी खबर है मुसीबत में है। चेन्नई में ऐसी बारिश हो रही है कि पूरा शहर पानी में घिर गया है। चेन्नई की सड़कों पर नाव चल रही है। 2015 के भीषण बाढ़ के 6 साल के बाद चेन्नई पर कुदरत ने फिर से कहर बरपाया है। चेन्नई में हाहाकार, पानी पानी हुई तमिलनाडु की राजधानी। मदद के लिए खुद सड़क पर उतरे सीएम स्टालिन। इन तस्वीरों ने चेन्नई के लोगों को 2015 के उस भयावह बाढ़ की याद दिला दी है जब पूरा शहर समंदर बन गया था। ठीक वही हालात वही मंजर इस वक्त चेन्नई शहर में दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में चेन्नई में इतनी बारिश हुई है कि पिछले 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। पूरा शहर पानी से लबालब है। वाडापल्ली, गिंडी, सैदापेट, माबलम, विलाचेरी, व्यासरपाड़ी, एमकेबी नगर में जल भराव के कारण पानी घरों तक घुस आया है। Since 2015, we've been seeing floods for like continuous years only. Even last year there were floods, but last year they took some certain measures to clear it off quickly. But the only issue is that since it's a low-lying area, people, you know, the corporation should come often and clear it off. Only then there won't be any like stagnant waters in here. चेन्नई में मूसलाधार बारिश और जल भराव से सड़क, रेल और हवाई यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। सरकार ने दिवाली पर बाहर घूमने गए लोगों से हाथ उधरने तक चेन्नई न लौटने की अपील की है। यही नहीं, भारी बारिश के चलते पूंजी, पुलल और चेम्बारमबाकम लेक के गेट खोल दिए गए हैं। ये वो रिजर्वार हैं जो शहर को पीने का पानी मुहैया करते हैं, लेकिन भारी बारिश के कारण इन रिजर्वार में पानी ओवरफ्लो न हो इसलिए पानी छोड़ने का फैसला लिया गया है। झील से पानी छोड़ने के बाद हालात और खराब हो गए हैं क्योंकि अब पानी शहर में घुस आया है। अब जरा चेन्नई के मशहूर मरीना बीच को देख लीजिए। जिस खूबसूरत बीच पर पर्यटकों की भीड़ होती थी, वहां अब पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हालात से निपटने के लिए राज्य की रिलीफ एंड रेस्क्यू टीम के अलावा एनडीआरएफ को भी तैनात किया गया है। खुद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन हालात पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। कल सीएम स्टालिन ने कोलाथुर, पेरम्बू, पुरसाई वलकम, कोसापेट और ओटेरी का दौरा किया था और पास के स्कूल में ठहरे प्रभावित लोगों को भोजन और राहत सामग्री वितरित की। மட்டுமல்ல தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் பிரதிநிதிகள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், உள்ளாட்சி அமைப்பில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் ஒருங்கிணைந்து அந்த பணியை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று நான் அறிவுரையாக சொல்லியிருக்கிறேன். மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் நலன் கருதி சென்னை அதிகாரியுனே காஞ்சிபுரம் और திருவள்ளுவர் के जिलाधिकारियों को निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने चेन्नई और उससे सटे जिलों में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसको देखते हुए स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। तमिलनाडु में बिगड़ते हालात पर केंद्र की भी नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को केंद्र की सहायता का आश्वासन देते हुए ट्वीट किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से बात की और राज्य के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की। राहत एवं बचाव कार्य में केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मैं हर किसी की कुशलता और सुरक्षा की कामना करता हूं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।